बीपीएल पर सट्टा लगाते सात पकड़े। सपा महिला जिलाध्यक्ष के घर चल रहा था सट्टे का कारोबार। अलीगढ़ के थाना बन्ना नदी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष के घर से आईटीओ पर सट्टा लगाते सात लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा है, जिनके कब्जे से 1,04,000 रुपए नगद, 18 मोबाइल, एक टीवी, कई डायरियां व सट्टा लगाने का डिब्बा बरामद किया गया है। बरामद की गई डायरियों के आधार पर आईपीएल के बड़े सट्टे का कारोबार होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। विगत काफी दिन से आईपीएल सट्टे की सूचना मिल रही थी, उस पे डेवलप करके और कार्यवाही की गई है। इसमें आज सात लोगों की गिरफ्तारी की गई है। करीब 1,04,000 रुपए वहाँ से बरामद हुए और जो पेपर्स बरामद हुए हैं, जो हिसाब किताब है वो बरामद हुए हैं, उसमें तो करीब अब तक जो हम लोग कैलकुलेट कर पाए हैं उसमें 8-10 लाख रुपए का हिसाब है। लेकिन अभी जो और डायरीज मिली हैं उनसे कैलकुलेट किया जा रहा है, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लेन देन की बात प्रकाश में आ रही है। इसको डेवलप किया जा रहा है, आगे कार्यवाही की जा रही है। सर कितने लोग पकड़े हैं? इसमें सात लोगों की गिरफ्तारी की गई है और हमारी टीमें अभी दबिश के लिए निकली हुई हैं, जो अन्य स्थानों पर चल रहा है। आशा है कि उसमें भी कुछ डेवलप होगा, आगे कार्यवाही। सर किस नेता के घर से पकड़े, कौन नेता? ये श्रीमती नौरीन खान है, वो एक राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। उनका बेटा पकड़ा गया है और उसके साथ 6 अन्य लोग पकड़े गए और उनसे अभी विस्तृत पूछताछ की जानी है। अभी तुरंत गिरफ्तार पकड़ा गया और पूछताछ की जा रही है कि और कौन कौन पकड़ा। कितने समय से चला रहे थे वो? ये जिस दिन से आईपीएल शुरू हुआ है उसी दिन से इन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन अभी डायरी में जो देखने से लग रहा है, इसके पहले भी जो छोटे मोटे मैच होते रहे हैं उनमें भी संभवतः चलता रहा है डायरियों से। अभी उस डायरी से जब क्रॉस करने पूछताछ होगी, क्रॉस किया जाएगा और भी चीज़ें प्रकाश में आएंगी। 18 मोबाइल बरामद हुए हैं उनसे, एक टेलीविज़न बरामद हुआ है जिसमें देख करके वो लोग मैच पे लगा रहे थे। इसके अतिरिक्त एक डिब्बा कहा जाता है जिस पर वो रेट निरंतर चलता रहता है कि एक ओवर में या एक बॉल पर कितने रन बनेंगे या मैच में कौन जीतेगा हारेगा, इसका रेट का वो डिब्बा बरामद हुआ है और डायरियां काफी ब्लैक बरामद हुए, उनका परीक्षण किया जा रहा है।